बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपनी आने वाली फिल्म पिंक में भले ही एक वकील का रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन उनका कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनकी जिंदगी में कभी अदालत का सामना नहीं करना पड़े। अमिताभ बच्चन ने पिंक के ट्रेलर लॉन्च पर मीडिया से कहा, मैं भारत में कभी कोर्ट रूम में नहीं गया, मैं आशा करता हूँ कि मुझे कभी अदालत ना जाना पड़े। बोफोर्स मामले के आरोप के दौरान मैं अपना बचाव करने के लिए लंदन में कोर्ट में गया, केवल वही वक्त था जब मैंने अदालत देखी। Whatever you say is obviously extremely disgusting, and as a nation, you know, we sometimes hang our heads in shame by reading these several incidents that keep happening. They should not. I think basically all of us as Indians and individuals need to educate ourselves to give importance to the women in our lives. And to understand that their contribution and their presence in a society is equally important as the male. Other than that, yes, we need to have very strong laws, and we need to have a huge amount of exposure towards these people. मेगास्टार का कहना है कि वो पिंक के फिल्मकारों की रिसर्च पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी राइटर और डायरेक्टर की रिसर्च से गुजरे। सेट पर उन्हें गाइड करने के लिए एक वकील भी था, जिसने बोलने के तौर तरीके और दूसरी बातें भी बताई। उन्होंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से अदालत का सीन पैदा करने की कोशिश की है, और ये फिल्म के मिजाज को बढ़ाती है। आपको बता दें कि अमिताभ अपनी आने वाली फिल्म पिंक में एक वकील का रोल कर रहे हैं।